नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है क्योंकि माँ एक पत्नी भी होती है। और नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। प्रिया और अंकुर शादी के बाद एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि उनकी अरेंज मैरिज हुई है। उन दोनों में बहुत ही प्यार और अच्छा आपसी तालमेल था। प्रिया के ससुराल में सास ससुर के अलावा एक देवर था। देवर बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। प्रिया के ससुराल वाले प्रिया से बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। प्रिया भी अपने ससुराल में सभी से बहुत प्यार करती थी और बेहद खुश थी। अंकुर ऑफिस से आने के बाद कभी उसे मूवी लेकर जाता, कभी शॉपिंग के लिए ले जाता, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर। उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। अंकुर प्रिया के साथ हमेशा प्यार भरी छेड़छाड़ और चुहलबाजी करता रहता था। कभी वो सबके साथ बैठकर डिनर करते हुए सबसे नजरें बचाकर प्रिया को आंखों ही आंखों में प्यार भरा इशारा कर देता तो प्रिया शर्मा जाती और उसके गोरे गाल गुलाबी हो जाते। कभी प्रिया किचन में काम करती रहती तो अंकुर चुपके से जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लेता और कानों को हल्के से अपने होठों से छू लेता तो प्रिया का रोम रोम सिहर उठता। प्रिया अंकुर का प्यार पाकर निहाल हो उठी थी और उसकी जिंदगी खुशियों से महक उठी थी। उसकी सहेलियां उसका खिला खिला चेहरा देखकर उसे छेड़ते हुए बोलती, जीजू के प्यार के असर से तो तेरा रूप ही बदल गया है। और प्रिया शर्म से लाल हो जाती। शादी के साल भर के बाद ही उन दोनों के प्यार के आंगन में एक नए मेहमान के आने की दस्तक हुई, जिससे प्रिया के मायके और ससुराल के सभी लोग बहुत खुश हुए। सब उत्साह से नए मेहमान के आने की तैयारियां करने लगे और उन्होंने प्रिया का इस तरह प्यार से ध्यान रखा कि 9 महीने देखते ही देखते बीत गए। प्रिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसके बाद उन दोनों की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। बच्चे के आ जाने से एक ओर जहां सभी के दिलों में खुशियां ही खुशियां भर गईं, वहीं दूसरी ओर प्रिया एक माँ की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये भूल गई कि वह एक पत्नी भी है। वह अपना ज्यादातर समय अपनी बेटी पलक को देने लगी। अंकुर बहुत ही समझदार था। वह समझता था कि एक छोटे से बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी माँ की होती है, इसलिए वह भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। एक दिन अंकुर ने प्रिया को बुलाया और कहा, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि नई जिम्मेदारियों के कारण अब तुम बहुत व्यस्त रहती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का बहुत मन करता है। तुम्हें याद है हम एक दूसरे के साथ कितना समय बिताते थे? अंकुर, मुझे सब याद है और मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं क्या करूं? पलक अभी छोटी है, उसे हर वक्त मेरी जरूरत रहती है। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताने की। इतना बोलकर प्रिया जैसे ही अंकुर के करीब आने लगी, वैसे ही पलक के रोने की आवाज सुनकर वो चौंक कर उससे अलग हो गई। अगले दिन अंकुर शाम को ऑफिस से आया तो उसने बेडरूम से प्रिया को आवाज लगाई। प्रिया रसोई में पलक के लिए दूध तैयार कर रही थी। वो दूध को ठंडा होने के लिए डालकर बेडरूम में पहुंची। अंकुर ने उसे अपने पास बिठाकर कुछ बातें करनी चाही तो प्रिया ने कहा, अभी नहीं, बाद में, अभी मैं पलक को दूध देकर आती हूँ। अंकुर उससे चिढ़ गया और वो बेडरूम से बाहर निकलकर चला गया। प्रिया को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करती रही और उसने सोचा रात में अंकुर से बात करेगी। खाने की टेबल पर भी अंकुर थोड़ा चिड़चिड़ा ही दिख रहा था। प्रिया की सास सुधा जी की अनुभवी आंखें सब देख रही थी और सब समझ भी रही थी। उन्होंने डिनर के बाद प्रिया को बुलाया और प्यार से अपने पास बिठाते हुए बोली, देखो बेटा, तुम यह मत समझना कि मैं पति पत्नी के मामले में बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गृहस्थी की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे को समय देना बहुत जरूरी होता है। मैं मानती हूँ कि पलक के आ जाने के बाद तुम बहुत व्यस्त हो गई हो, लेकिन पलक अभी तक बहुत छोटी थी इसलिए वह ज़्यादातर तुम पर ही निर्भर थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है और ऊपरी आहार भी लेने लगी है। अब तुम उसे मेरे पास ज़्यादा देर तक छोड़ सकती हो।
मैं उसे संभाल लूंगी। मुझे अच्छे से याद है पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितना समय बिताते थे और कितना खुश रहते थे, लेकिन आजकल तो देखती हूँ तुम दोनों के ही चेहरे मुरझाए हुए से रहते हैं। याद रखो, तुम सिर्फ माँ नहीं एक पत्नी भी हो, इसलिए तुम्हें पति पत्नी के रिश्ते को भी समय देना चाहिए। अपनी सास की बातें सुनकर प्रिया की आंखें खुशी से छलक पड़ी। वो रुधे हुए स्वर में बोली, मम्मी जी आपने कितनी आसानी से हमारी परेशानी सुलझा दी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपका धन्यवाद करूं। चल पगली, इसमें धन्यवाद बोलने वाली कौन सी बात है, कभी मैं भी ऐसे ही माँ बनी थी और उसके बाद इनके साथ समय बिताने का मन होते हुए भी साथ में समय नहीं बिता पाती थी। मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, इसलिए सब अच्छे से समझती हूँ। अभी तो तुम दोनों के खाने खेलने के दिन हैं, जाओ खुश रहो और एंजॉय करो। प्रिया भावुक होकर उनके गले लग गई। उसके बाद से प्रिया और अंकुर फिर से साथ समय बिताने लगे, कभी कभी एक साथ बाहर भी जाने लगे। कभी कभी ही सही एक दूसरे के साथ समय बिताकर उन्हें अच्छा लगता था। जिम्मेदारियों के बीच से कुछ पल अपने लिए भी निकालकर वो एक नई ऊर्जा से भर जाते थे और फिर पूरे जी जान से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लग जाते थे। दोस्तों, बच्चे के आ जाने के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मन तो करता है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में परिवार के लोग अगर उनकी मदद करें तो कितना अच्छा हो। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं।